ऊना व मंडी में सरकारी गेहूं की चोरबाजारी के मामले सामने आने पर खाद्य आपूर्ति विभाग की नींद टूटी है। विभाग ने गरीबों के राशन की चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए डिपुओं का सामान ढोने वाली छोटी बड़ी सभी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश जारी किए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने बताया कि विभाग अब जीपीएस सिस्टम के जरिए ऐसी कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गैस सिलेंडर की गाड़ियों में अब लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और जहां कहीं भी गाड़ी जाएगी लोगों तक गैस आने की सूचना मिलेगी। इससे जनता को पता चलेगा कि उनके इलाके में गैस की गाड़ी आई है। कि पहले कांग्रेस शासन काल में गेहूं जाती थी और फ्लोर मिल से गायब हो जाती थी। गरीब आदमी को जो आटा जाना होता था तो वो आटा मिलता नहीं था और कह ये दिया जाता था कि भारत सरकार नहीं भेज रही। ऊना में भी लगभग 7,000 गेहूं जो थी वो गायब थी और इसी प्रकार से मंडी में भामला में भी जब ट्रक आए तो वो ट्रक जहां सिविल सप्लाई के गोडाउन में उतरने चाहिए थे वो सीधा जाकर मिल में उतरे, फ्लोर मिल में। गेहूं भी वहीं उतरा और चावल भी वहीं उतरे, जिसकी पूरी जांच हो रही है और दोषियों के साथ सख्ती से निपटेगी ये सरकार। उसके लिए हमने ये किया है कि अब हमने निर्णय ले लिया हमारे विभाग ने कि जो भी माल ढुलाई के ट्रक हैं या छोटी गाड़ियां हैं उन पर जीपीएस सिस्टम लगेगा ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो भविष्य में ना घटे और जो ट्रांसपोर्टर्स कंपनी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जब राशन की ढुलाई का काम करती हैं उन पर को भी ये शर्त लगा दी जाएगी कि जीपीएस सिस्टम उन गाड़ियों पे लगा होना चाहिए और उस पर पूरा ट्रैक हमारा विभाग रखेगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।